भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आज एक बड़ा दिन रहा। टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान के लिए आईसीसी ने खास अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आइए वीडियो के जरिए जानते हैं सहवाग को कौन सा सम्मान मिला है। क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन और विस्फोटक ओपनर सहवाग ने आक्रामक बल्लेबाजी से कई बार मुश्किल हालातों में मैच का रुख बदला है। वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट के अलावा वनडे और टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए सालों तक अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दर्शकों का मनोरंजन किया है। क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आईसीसी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। वीरेंद्र सहवाग के करियर पर अगर नजर डाले तो भारत के लिए इस खिलाड़ी ने 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 टी20 मुकाबले खेले हैं। वीरेंद्र सहवाग ने 104 टेस्ट मैच में 49.34 की औसत से 8,586 रन बनाए हैं, जबकि भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में दो बार वो 13 शतक लगाने वाले केवल इकलौते बल्लेबाज हैं। इसके अलावा उन्होंने 23 टेस्ट शतक जड़े हैं। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने 251 वनडे मैचों में 35.06 की औसत से 8,273 रन बनाए हैं। वनडे फॉर्मेट में वीरेंद्र सहवाग ने 15 शतक लगाए हैं। वनडे क्रिकेट में सहवाग सचिन के बाद दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने थे, जबकि भारत के लिए 19 टी20 मैच में वीरेंद्र सहवाग ने 21.89 की औसत से 394 रन बनाए हैं। वीरेंद्र सहवाग के अलावा दो और खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इस साल जगह मिली है। आईसीसी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। वीरेंद्र सहवाग के अलावा डायना इल्डूजी और श्रीलंका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। बता दें, डायना इल्डूजी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नवाजी जाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। 2023 से पहले भारत के 7 खिलाड़ियों को यह खास उपलब्धि मिली थी, लेकिन लिस्ट में अब सहवाग और इल्डूजी का भी नाम जुड़ गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के खिताब से नवाजे जाने वाले सहवाग 8वें और इल्डूजी 9वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।